नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें ऋतुराज सिन्हा द्वारा जो पेंटिंग बनाया गया है अलग अलग दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी यानी अब की बार फिर से भाजपा सरकार, उस पर एक खबर सामने निकल के आ रही है, यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा पर कोतवाली थाना में सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वही नूतन राजधानी अंचल पटना नगर निगम के प्रभारी राजस्व अधिकारी रवीश कुमार के आवेदन पर मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं ऋतुराज पर मौर्यालोक परिसर की दीवार पर पेंटिंग कराकर उसे खराब करने का आरोप है। तो वहीं प्रभारी राजस्व अधिकारी ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि 23 मई की सुबह 11 बजे अतिक्रमण से संबंधित कार्य के भ्रमण के क्रम में उन्होंने देखा कि मौर्यालोक परिसर की दीवार पर पेंटिंग की गई है और अब उसके बाद से फिर उन्होंने जाकर इसकी जानकारी कोतवाली थाने में दी। और आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और अब ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं उनके बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, जितने भी चीज़ें हैं ना, वो अब सरकारी निवास स्थानों पर या फिर सरकारी जगहों पर या फिर निजी निवास स्थानों पर लोग चिपका देंगे जाकर, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आएगी। मैंने आपको खबर दिखाया था किस प्रकार से जो क्लीन इंडिया यानी कि स्वच्छता मिशन जो है, यानी कि ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है इस देश के प्रधानमंत्री यानी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उसके बाद से उनके ही भाजपा के सिपाही, भाजपा के लोग और भाजपा में दायित्वधारी जो ऋतुराज सिन्हा है यानी कि राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो जगह जगह पर निवेदक के तौर पर ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय मंत्री भाजपा लिख कर अब की बार फिर भाजपा सरकार का एक पेंटिंग करवाया गया है तमाम जो पटना की सड़कों पर कराया गया है। अगर आप जाइएगा तो दीवालों पर आपको यह रूप देखने को मिल जाएगा। अगर आप दीवालों पर देखिएगा तो जो पेंटिंग है उसके ऊपर भी ये पेंटिंग किया गया है, जिसके दौरान ये रवीश कुमार जो हैं वो अधिकारी, उनके द्वारा फिर ये इसको लेकर FIR कराया गया है कोतवाली थाना में, क्योंकि मौर्य जो लोग हैं वहाँ पर इसको लेकर अगर आप पेंटिंग कराए तो उसमें अतिक्रमण हटाने वक्त वो जा रहे थे, उन्होंने देखा और उसके बाद FIR दर्ज करा दिया गया। अब सोचने योग्य बात यह है कि जिस देश में जिस पार्टी का जो नेता है यानी कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं, उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत का जो मिशन है, स्वच्छ भारत की जो कहानी है, उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं सतर्क और सजग नहीं दिख रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि अगर आप एक भाजपा का बैनर पोस्टर लगाते हैं वो तो अलग विषय है, लेकिन अगर आप दीवारों पे पेंटिंग बनवाते हैं तो वो सरासर गलत है, क्योंकि आपको इस चीज़ की अनुमति लेनी होती है। आपको अगर निजी जो अगर किसी का घर है वहाँ पर अगर आप लगाते हैं या निजी किसी बिल्डिंग पे लगाते हैं तो वहाँ पे आपको अनुमति लेना होता है। 1985 का यह अधिनियम कहता है इसके तहत अगर आप नहीं अनुमति लेते हैं तो आपको जेल के साथ 1000 रुपये तक का जुर्माना भी आप पे लगाया जा सकता है। उसके सरकारी संपत्तियों पर भी आपको इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कराना पड़ता है और आपको इसको लेकर एक अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन आप बिना अनुमति लिए अगर आप दावेदारी सिद्ध कर रहे हैं, अगर बिना अनुमति लिए अगर आप सोच रहे हैं कि इसको लेकर अब जो लोग हैं वो भाजपा को वोट कर देगा देख के, तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं जा रहा है। इसका कोई प्रभाव, कोई असर पटना की जनताओं पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने भी इस चीज़ को लेकर पटना की जनता से खास बातचीत की थी। फिलहाल उन पर FIR हो गया है। अब देखने योग्य बात यह है कि आखिर सामने जो बात है, जो सामने जो और खबर है वो क्या सामने निकल के आती है। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहें बिहार संवाददाता के साथ।